जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नवरात्रि में हम माता रानी के लिए श्रृंगार का क्या क्या सामान जो है वो ले सकते हैं। वैसे तो माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं, पर मुझे जो है इस बार अभी तक सिर्फ 14 ही श्रृंगार मिल पाए हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी मिसिंग है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आप लेकर 16 श्रृंगार पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमने लिया है माता रानी के लिए लहंगा। ये लिया नहीं है वैसे तो, ये घर पर ही बनाया गया है। और ये चुनरी भी जो है ये माता रानी के लिए हमने घर पर ही बनाई है। इस पर जितना भी काम हुआ है सब घर पर ही किया गया है। तो ये लहंगा चुनरी माता रानी के लिए वस्त्र रूपी श्रृंगार है। अब इसके बाद जो है अब बारी आती है चूड़ियों की। तो ये देखिए, ये लाल रंग की माता रानी के लिए बहुत सुंदर सी चूड़ियाँ हैं जो कि हम लेकर आए हैं। और इसके बाद जो है ये है मेहंदी, जो कि कीप मेहंदी है, बहुत ही ईजीली लग जाती है। और अब ये देखिए, ये है माता रानी के लिए लाल रंग की बिंदी। तो ये बिंदी भी बहुत सुंदर है, बहुत स्टाइलिश भी है। और ये माता रानी के बालों के लिए तेल है, और साथ ही माता रानी के लिए सिंदूर। और अब जो ये है एक नेल पेंट, एक लिपस्टिक, इत्र और पाउडर। तो ये इत्र जो है ये रोज़ फ्रेग्रेंस का है, तो बहुत ही सुंदर सी इसकी खुशबू है। ऐसा सा सेम इत्र लड्डू गोपाल जी के पास भी है, तो इस बार मैं ऐसा बिल्कुल सेम इत्र जो है माता रानी के लिए भी लेकर आई हूँ। ये है माता रानी के लिए काजल, और साथ में उनके बालों के लिए एक रबर बैंड जो कि उनके श्रृंगार में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में था एक शीशा। ये जो है ये हार गणपति जी के लिए है, क्योंकि हम गणपति जी को भी अपनी नवरात्रि की चौकी में विराजित करते हैं। और ये हार जो है ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए लिया है। इसमें भी रेड और ग्रीन कलर है जो कि हमारी माता रानी के लहंगे के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसलिए मैंने स्पेशली रेड और ग्रीन का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर रखा है। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ बिंदियाँ जो कि नवरात्रि में हमारे काम आएंगी। और ये उनके कानों के कुंडल हैं जो कि हम उन्हें पहनाएंगे। तो यहाँ माता रानी के श्रृंगार के साथ साथ मैंने लड्डू गोपाल जी का भी कुछ श्रृंगार लिया है। और ये है माता रानी के लिए चोकर वाला हार। ये जो है मैंने ऑनलाइन ही लिया था, बहुत पहले से लेकर रख लिया था। तो ये हम माता रानी को पहनाएंगे। और ये एक लंबा हार है, तो ये मैं उसी दिन देखूंगी। अगर ये भारी होगा तो ये मैं नहीं पहना पाऊंगी, पर मैंने ये लिया है कि अगर ये पहनाया जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा माँ पर। और ये भी है कानों के कुंडल, और ये भी लड्डू गोपाल जी के लिए ही हैं। ये बहुत सुंदर हैं, देखिए इसके पीछे की ये जो चीज़ है ये कितनी अच्छी है और कितनी फ़ाइन है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये जो है मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन का, जैसे लटकन होती है वो लिया है। वैसे तो मेरे पास डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नवरात्रि में कुछ तो नया लेना ही है, तो इसलिए मैंने ये लिया। और ये एक अलग से मैंने दुपट्टा लिया, जैसे हम नारियल पर दुपट्टा लपेटते हैं, तो ये लाल रंग का जो दुपट्टा है ये हम नारियल पर लपेटेंगे नवरात्रि, जो हम पहले दिन घट स्थापना करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से जो मैंने आपके साथ जितनी भी चीज़ें शेयर की हैं कुल मिलाकर 14 हैं। इसमें आप पायल, बिछिए, रिबन, आलता, इनमें से कुछ भी मिलाकर इसे 16 कर सकते हैं। वैसे तो कम से कम 5, 7 या 11 की संख्या में भी आप माता रानी को श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। तो अभी के लिए जय माता दी।